बात की जाए काशी की तो आज देश के प्रधानमंत्री जो कि 3.0 तीसरी बार जीतने के बाद अपने सांसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे पीएम मोदी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी सांसदीय क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जिनके आगमन में अगर बात की जाए तो सीएम योगी, मुख्यमंत्री आनंदी बहन और राज्यपाल खुद पहुंचे उनका स्वागत करने। और आज वाराणसी काशी में काफ़ी देख सकते हैं कि उत्साह का माहौल है, हर जगह डमरू है, इस समय मैदान पे काशी विश्वनाथ जाने वाला रास्ता है। और कुछ समय बाद यहीं से नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरी बार यहां से जीते हुए सांसद, काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री मोदी, यहीं से काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे और आरती में शामिल होंगे। और ये देख सकते हैं अपने जर्नलिस्ट कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है कि कोई भी बीच में ना आ पाए काफिले के, पूरे तरीके से बंदोबस्त किया गया है प्रशासन का और रस्सी का भी बंदोबस्त किया गया हुआ है। और कार्यकर्ताओं की बात से रही तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी कुछ समय बाद यहां से पहुंचेंगे। और रही बात अधिकारियों की, तो अधिकारियों को आप देख सकते हैं कि अधिकारी लगातार जनता को पीछे कर रही है कि कुछ समय बाद यहां से पीएम मोदी यहां से पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं वरिष्ठ अधिकारी यहां पे मौजूद है और अपनी ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी चूक ना हो। और सारे अधिकारी एडीसीपी डीसीपी सब दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि सारे अगर बात की जाए अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। रोड को जीरो ग्राउंड कर दिया गया है, डमरू से उनका स्वागत किया जाएगा। और ये कुछ खास जो इस बार प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तीसरी बार अपने बनारस काशी से सांसदीय क्षेत्र लगातार नरेंद्र मोदी जी के आने के लिए, आने का इंतजार हो रहा है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और उनके स्वागत के लिए नारेबाजी शुरू यहाँ पे है। कुछ भाई लोग से बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार यहाँ पे सांसद जीते हैं और देश के प्रधानमंत्री बने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बड़े भैया जी कहेंगे, भाई जी इस बार किस तरीके नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार यहाँ के सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री, क्या कहना चाहेंगे? शब्दों को कोई विषय नहीं मिल रहा है। हम सभी स्वयं गौरवान्वित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सौभाग्य है कि काशी ने उतने इतना प्रेम दिया है। लगातार तीसरी बार आज वह प्रधानमंत्री के रूप में कम और यहाँ के काशी के सांसद के रूप में आज वो फिर अपने बनारस में वापस आ रहे हैं। आज वो बाबा काशी विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लेंगे, किसानों के लिए भी बहुत सारी सौगातें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम काशीवासी प्रधानमंत्री बाद में पहले अपना सांसद चुनते हैं, सांसद वही लगातार जो हम तीन बार से प्रधानमंत्री बनाते चले आ रहे हैं। काशीवासियों को यह बड़ा ही उत्साह देने वाला विषय होता है कि हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनते हैं। कल रात से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे काशी को भगवामय करने में लगे हुए हैं। आप उत्सव दे सकते हैं, डमरू वादन अलग हो रहा है, भांगड़ा ढोल अलग बज रहा है, इसके साथ बुंदेलखंडी के लोकनृत्य ढाई उसमें पाई डंडा बोला जाता है, उनके लोकनृत्य भी मंच पे आपको दिख रहे होंगे। और जो उत्साह है भारत माता की जय, जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के जय घोषों से गगन भेद दिया जा रहा है। कितना उत्साह है, कितनी खुशी है मोदी जी को आ रहे हैं, अभी कुछ देर बाद यहाँ से उतरेंगे आपके सामने से, कैसा उत्साह लग रहा है? उत्साह इतना है कि फूल कम पड़ जाएंगे लेकिन जयघोष इतने रहेंगे कि आवाजें बताएंगे कि क्या जयघोष और क्या उत्साह है। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि कार्यकर्ता यहाँ पे लगे हुए हैं, फूलों की फुलझड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करेंगे और आगे भी अपडेट देते रहेंगे। जब काशी विश्वनाथ के लिए प्रधानमंत्री मोदी इसी चौराहे से काशी विश्वनाथ जब जाएंगे तो आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। प्रधानमंत्री तीसरी बार जीत के बाद काशी पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं ये मैदाकिन चौराहे पर से देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जनता के बीच से मोदी जी का जादू चला काशी पे, मतलब कि तीसरी बार काशी में सांसद बनने के बाद पहुंचे पीएम मोदी, जो कि कहे काफी अहम दौरा माना जा रहा था। जीत के बाद तीसरी काशी पहुंचे आज प्रधानमंत्री देश के मोदी जी। और साथ ही साथ अगर बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री, सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वही राज्यपाल आनंदी बहन जी भी उनका स्वागत किए। और यहां से सीधे ये जो काफिला जा रहा है काशी विश्वनाथ के लिए जा रहा है,
जो कि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आरती में, गंगा आरती में शामिल होंगे। आरती में शामिल होने के बाद वो वहां से रवाना होंगे, लौटेंगे। मतलब कि आज का काफी अहम दिन था, कार्यकर्ताओं का काशी में जो उत्साह था बहुत ही प्यारा उत्साह देखने को मिला कि आज देश के प्रधानमंत्री, काशी के सांसद काशी पहुंचने के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। प्रशासन का भी काफी बहुत बड़ा रोल रहा, काफी प्रशासन का सहयोग रहा, पूरी बैरिकेड कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री के काफिले में कोई भी दिक्कत ना आए, और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया, हर हर महादेव का नारा गूंजता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं हर काशीवासियों के जबान पे हर हर मोदी, घर घर मोदी का भी नारा सुनाई दिया। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जीत के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे काशी अपने संसदीय क्षेत्र। हमने आपको लाइव तस्वीर दिखाया, कैमरा जर्नलिस्ट कुशल के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनेद वाराणसी से।